हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका अमित शंगारी के चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2020-21 टेंथ का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। इस बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि साइंस का और इंग्लिश के दो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा। वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है और जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाए कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा। देखिए, जो बोर्ड ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डाला है वो इस तरह का कुछ पीडीएफ फॉर्मेट डाला है। यदि आप वास्तव में इसको पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है। इसीलिए हम वीडियोस को थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहे हैं। इसको दो तीन दिन हो चुके हैं सिलेबस को आए को, लेकिन इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम हमने लिया है और उसके बाद ही हमने निष्कर्ष निकाला है कि वीडियो को अपलोड किया जाए जिससे आप सबको अच्छी तरह समझ में आएगी। इसमें सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमने साइंस और इंग्लिश का जो वीडियो डाला था तो उसमें चैप्टर्स एकदम क्लियर थे, क्लियर चैप्टर्स हटाए गए थे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं थी, आपको भी कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं बीच में से और टॉपिक को भी डिफाइन किया हुआ, एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। जो हटाए गए डिलीटेड सिलेबस में उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं दी गई, हमें खुद फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करके ही मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको डीपली उस पीडीएफ फॉर्मेट की स्टडी नहीं करना पड़ी। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैथ्स में जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट भी बता रहा हूं चैप्टर भी बता रहा हूं साथ में, फर्स्ट यूनिट है वैदिक मैथमेटिक्स की। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है वैदिक मैथमेटिक्स की। वैदिक मैथ्स में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जो कि 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन बाय वैदिक मैथ्स, एलजेब्रा की कुछ इक्वेशंस है जो वैदिक मैथ्स के तरीके से सॉल्व किया हुआ है वो हटा दिए गए हैं। यदि कहना चाहें सिंपल लैंग्वेज में कि जो बुक्स है उसमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से देखो राइट का जो निशान लगा हुआ है 1.1, 1.2 और 1.3 आएगी और 1.4 एक्सरसाइज वो हटा दी गई है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हटा दिए गए। बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि रियल नंबर्स यूनिट पूरी हटा दी गई है, कंप्लीटली रिमूव्ड, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 है एलजेब्रा की, जो कि 13 मार्क्स की आती है, 13 मार्क्स की आती है। इसमें देखिए 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर्स यूनिट 3 में इंक्लूडेड है। तो यूनिट 3 में देखिए पॉलिनोमियल्स की यदि बात करते हैं हम, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं हम यदि, तो इसमें दिया हुआ है कि एक तो डिवीजन एल्गोरिथम हटा दी गई है और एक एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो सम है वो हटा दिए गए हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये 6 एक्सरसाइज है। इसमें से 2 एक्सरसाइज देखिए क्रॉस का जो निशान दिख रहा है 3.2 और 3.6 ये दोनों रिमूव कर दी गई है। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, बुक भी लेके बैठे होंगे, साथ साथ में निशान लगाते जाइए या लिखते जाइए जिससे वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो और देखिएगा और अच्छी तरह से बाद में इसको निशान लगा लीजिएगा। और देखिए राइट का निशान है 3.1 आएगी, 3.3 भी आएगी, 3.4 भी आएगी और 3.5 भी आएगी। ये 4 एक्सरसाइज आएगी और 2 एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है। आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दिया हुआ है। इसमें इन इक्वेशन हटा दिया गया है, तो इसमें 2 एक्सरसाइज थी 4.1 और 4.2। तो 4.1 तो वैसी की वैसी आएगी, देखिए इस पे राइट का निशान लगाया हुआ है और 4.2 पे क्रॉस का निशान है। इसका मतलब 4.2 एक्सरसाइज में जितने भी रिलेटेड सम्स है उनमें से कोई भी सम्स नहीं आएंगे, वो कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। कम टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें 5.1, 5.2 और 5.3 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर, जिसमें 5.1 और 5.2 तो कंप्लीट आएगी और 5.3 देखिए मैंने क्रॉस का निशान भी लगाया है और राउंड भी किया है, सर्कल भी किया है, तो 5.3 कंप्लीट रिमूव कर दी गई है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है ट्रिगोनोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो कि आगे जो स्टूडेंट्स 10th में मैथ्स पढ़ रहे हैं और आगे 11th 12th में मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या किया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, 3 इसमें चैप्टर्स हैं यूनिट 4 में।
देखिए 12 मार्क्स की है, यूनिट 4 है 12 मार्क्स की, तो 6.1 में कुछ हिस्सा हटाया गया है, लेकिन मेरा सजेशन आप सबसे यही है कि आप उस हिस्से को मत छोड़िए, क्योंकि वो एकदम एक्चुअली डिफाइन नहीं हो पाया है, क्योंकि रेशियो तो हमको करना ही पड़ेगा, टेबल तो हमें याद करनी पड़ेगी, कोई भी सम सॉल्व करना हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है, टेबल को हम छोड़ ही नहीं सकते, तो इससे रिलेटेड तो आप 6.1 को पूरी करिए, इसमें से कुछ भी मत छोड़िए, जबकि पीडीएफ में कुछ पोर्शन दिया है छोड़ने का, लेकिन वो क्लियर नहीं होने की वजह से क्यों कंफ्यूज लिया जाए, क्यों रिस्क उठाई जाए, ठीक है ना। फिर आता है 7 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 7.1 कंप्लीट आएगी और 7.2 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा होगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 9, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो वो 7.2 हटा दी गई है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपने तैयार कर लिए, सपोज करिए आपने तैयार कर लिए, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, हल्का फुल्का, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें ये दिया गया, तो इसमें से कुछ भी डिलीशन नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा, चैप्टर 8 कंप्लीट आएगा, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, बहुत ही, हालांकि इसमें बड़ा चैप्टर है, लेकिन समझ में आने के बाद इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अब आता है यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स की आती है। देखिए इसमें 9.1 और 9.2 दो चैप्टर्स है, तो 9.1 तो आएगी और 9.2 हटा दी गई है, 9.2 हटा दी गई है, ठीक है ना। 9.1 पे राइट का निशान है देखिए, और 9.2 पे क्रॉस है और सर्कल भी दिया हुआ है, ये हटा दी गई है। तो आगे बात करते हैं ज्योमेट्री, यूनिट सिक्स है ज्योमेट्री, जो कि 20 मार्क्स की है, ज्योमेट्री आपके 20 मार्क्स की है। देखिए 20 मार्क्स में चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, 10 से 14 तक 5 चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर 10 की बात करते हैं, लॉकस की, तो लॉकस में दो एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2। देखिए 10.1 तो आएगी डेफिनेटली, 10.2 हिसाब से क्रॉस हो गई है, जो डाटा हमें मिले हैं पीडीएफ फॉर्म में उसके हिसाब से क्रॉस हो गई है, लेकिन फिर भी यहां मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इसमें जो टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं पीडीएफ में, उसके हिसाब से कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो कि अपन बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ रहा है चैप्टर नंबर 11, सिमिलरिटी में 11.1 आएगी, 11.2 भी आएगी, 11.3 भी आएगी और 11.4 कंप्लीट हट गई है, इसमें 3 थ्योरम्स दी हुई है, डिटेल्स थ्योरम जो कि इसके बेस पे है, 11.4 से पहले दी हुई है, वो थ्योरम और थ्योरम बेस सम सारे हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। इन पे मैं राइट का निशान है और सर्कल है जो क्रॉस का निशान है। चैप्टर नंबर 12 सर्कल है, सर्कल में 12.1 आएगा, 12.2 भी आएगा, देखिए 12.4 डेफिनेट क्रॉस है, उसमें सारा कुछ हटा दिया गया है सर्कल में से, 12.4 पे क्रॉस का निशान है, 12.3 भी करीब करीब हटा दिया है, लेकिन कोई एक दो क्वेश्चन जो ऐसे है रिलेटेड है चैप्टर 12.2 से एक सही से, तो इसमें मैंने छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो कि आप डीप देखना चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बाद में अलग से बता दूंगा कि इसमें से एक दो क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, लेकिन 12 करीब करीब 12.3 और 12.4 हटा दी गई है। अब आता है चैप्टर नंबर 13 सर्कल एंड टेंजेंट्स, देखिए तो इसमें 13.1 पे टिक है, एकदम आएगी 100%, 13.2 पूरी हटा दी गई है। अब आता है चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें 14.1 देखिए यहां दी हुई है, 14.1 आएगी, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है, 14.1 में 10 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, डिटेल्स में मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि पीडीएफ फॉर्म में जो को लिखा हुआ है, जो हटाया हुआ पार्ट रिलेटेड पार्ट, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हटा दिया गया है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 11 हटा दिया गया, बाकी सब आएगा, और 14.2 पूरा हटा दिया गया है, 14.2 पूरी हटा दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 7 मेंसुरेशन, देखिए 10 मार्क्स की है टोटल, इसमें 15 और 16 दो चैप्टर इंक्लूडेड है मेंसुरेशन में। चैप्टर नंबर 15 है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, तो 15.1 आएगी, 15.2 पूरी हटा दी गई है, 15.2 पूरी हटा दी गई है, और 15.3 भी आएगी, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 7 जो डिलीटेड पोर्शन से रिलेटेड है वो भी हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें 16.1 आएगी, 16.2 भी आएगी, 16.3 जो कि कौन बेस्ड आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कौन पे आधारित हैं, वो हटा दिए गए हैं, तो 16.3 पे क्रॉस का निशान है, और 16.4 भी आएगी, लेकिन इसमें डिलीटेड पोर्शंस में लिखा हुआ है कि कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ सॉलिड इनटू अनदर, जिससे हम कहते हैं कि कौन है, कौन को किसी और में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कौन को किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं,
तो इसमें हमने क्रॉस का निशान लगाया इसलिए इसको साइड में अलग से लिख दीजिएगा। 16.4 आएगी इन क्वेश्चंस को छोड़कर, कन्वर्टिंग वाले क्वेश्चन है उनको छोड़कर, ठीक है ना। यूनिट 8 पे आ जाइए, यूनिट 8 है स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज, ये भी 10 मार्क्स की आती है। तो इसमें दो चैप्टर है 17 और 18, 17 चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें 17.1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट आएगी। और मोड से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, मोड से जो मीन और मीडियन कंप्लीट आएगा, मोड से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है, वो 17.7 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आ रही है चैप्टर नंबर 18, दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, कंप्लीट जैसा भी है कंप्लीट आएगा। और यूनिट 9 जो है हमारा है वो है रोड सेफ्टी, चैप्टर नंबर 19 आ जाएगा इसके बाद में, ये है चैप्टर नंबर 19 रोड सेफ्टी का, यूनिट 9 है, चैप्टर नंबर 19 है रोड सेफ्टी। ये 4 मार्क्स की आती है, जैसी आती थी वैसी ही आएगी, कंप्लीट आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक्स तो होना जायज है। तो कहीं यदि आगे कोई ऐसी चीज मुझे पता लगे कि मैंने बाई चांस गलती से गलत बता दी है, तो मैं कमेंट बॉक्स में ऊपर लिख दूंगा, ऊपर करके पिन करके छोड़ दूंगा। तो कभी आप 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने बाद जब भी देखें तो आप देख सकते हैं यदि कोई इसमें डिफरेंस आया हो तो, और आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैथ्स का था, फिर मिलेंगे अगले नए सब्जेक्ट्स के साथ में, और अभी 3 सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं यदि आपने तो देख लीजिए, साइंस का अपलोड हो चुका है, इंग्लिश का अपलोड हो चुका है, और आज मैथ्स का भी अपलोड कर दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।